हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स, मीन्स प्रवर्तक के कार्य। जैसा कि हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है, कंपनी का निर्माण होता है, तो निर्माण का कार्य ही प्रवर्तन के साथ शुरू होता है। या हम कहें किसी भी कंपनी का श्री गणेश प्रवर्तन कार्य के साथ ही माना जाता है। तो प्रवर्तक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वे व्यक्ति जो सर्वप्रथम कंपनी की शुरुआत के संबंध में निर्णय लेते हैं। यानी प्रवर्तक ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले विचार आता है कि एक कंपनी का निर्माण किया जाना चाहिए। तो कंपनी के निर्माण संबंधी समस्त बातों के बारे में जो व्यक्ति जानकारी जुटाता है, प्लान करता है, तैयारियां करता है, वैधानिक औपचारिकताओं की पालना करता है, वही व्यक्ति प्रवर्तक प्रमोटर कहलाता है। एक कंपनी के लिए निर्माण के समय प्रवर्तक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रवर्तक ही वह व्यक्ति है जो कंपनी को कानून के अंतर्गत पंजीकृत करते हुए खड़ा करता है या कंपनी व्यवसाय लायक करने लायक योग्य बनाता है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि एक प्रवर्तक जो होता है कंपनी का महत्वपूर्ण कर्ता धर्ता होता है। तो एक प्रवर्तक के कार्यों की अगर हम बात करें तो एक कंपनी के निर्माण से लेकर उसके व्यापार प्रारंभ करने के अस्तित्व तक प्रवर्तक मेहनत से लगा हुआ होता है, मेहनत करता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रवर्तक के कार्यों के कारण ही कंपनी अस्तित्व में आती है और अपने आधारभूत ढांचे को संभालते हुए कार्य करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी पे हम बात कर रहे हैं कि प्रवर्तक के कार्य, कि कंपनी के प्रमोटर जो होते क्या उन्हें क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो प्रवर्तक को कंपनी के निर्माण से लेके व्यवसाय प्रारंभ करने तक अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। इसी के तहत कंपनी के पार्षद, सीमा नियम तथा अंतर नियम भी प्रवर्तक द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। साथ ही सार्वजनिक कंपनी की दिशा में प्राधिकरण का निर्माण भी प्रवर्तक द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि प्रवर्तक ही वे व्यक्ति है जो कंपनी को अस्तित्व में लेके आता है और कंपनी का वैधानिक रूप से रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि प्रवर्तक द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखिए प्रवर्तक के कार्य। तो नंबर वन है हमारा कंपनी के निर्माण की कल्पना करना, तो संभावनाओं का पता लगाना। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो प्रवर्तक होता है वह कंपनी के निर्माण की कल्पना करता है कि मुझे एक कंपनी बनानी है, उसका क्या रूप होगा, क्या आकार होगा, क्या उद्देश्य होंगे। तो कंपनी के निर्माण संबंधी कार्य को पूरा करने का कार्य ये प्रवर्तक को सबसे पहले करना होता है। वह कंपनी के जांच पड़ताल करता है, वह संभावनाओं का पता लगाता है कि भविष्य में क्या कंपनी अपने कार्य को सही तरीके से कर पाएगी। तो यह जो कार्य करता है वो प्रवर्तक करता है। इसलिए प्रारंभिक समय में हम देखें तो कंपनी के निर्माण की कल्पना तथा संभावनाओं का पता लगाने का कार्य एक प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है। इसी स्टेप में सेकंड पॉइंट में आवश्यक जांच पड़ताल एवं अनुसंधान करना। देखिए बच्चों, आवश्यक जांच पड़ताल अनुसंधान करना कि इसके संदर्भ में जब प्रवर्तक कंपनी के लिए कार्य करता है तो कंपनी के संबंध में वो जांच पड़ताल करता है, ये पता लगाता है कि कंपनी किस प्रकार के व्यवसाय को चलाने में सक्षम है, किस प्रकार के व्यवसाय में कंपनी को विनियोग करना चाहिए। तो उसके लिए वो जो उसकी जाँच पड़ताल अनुसंधान निरंतर रूप से करता रहता है। अगला है हमारा प्रारंभिक अनुबंध। प्रारंभिक अनुबंध से आशय है कि जब कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी की जब शुरुआत हो रही होती है, तो कंपनी को कई तरह के खर्चे करने होते हैं, जैसे फिक्स चार्जेस होते हैं, जैसे ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदना, इसी के साथ और छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं, प्रजनन छपवाने का खर्चा, तो इनके संबंध सब चीज़ों के लिए वे प्रारंभिक अनुबंध करने के कार्य भी करते हैं। क्योंकि प्रवर्तक ही ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी की ओर से संपूर्ण कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और कंपनी के लिए प्रारंभिक अनुबंध का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है आवश्यक संसाधन जुटाना।
मीन्स जब कंपनी के निर्माण की कल्पना प्रबंधक ने कर ली है और इसके पश्चात उसने जांच पड़ताल कर ली है, अपने प्रपत्रों को रजिस्टर के पास जमा करवा दिया है, उसके पश्चात प्रारंभिक अनुबंध के पश्चात वह यह देखने का प्रयास करता है कि कंपनी के पास कहाँ तक आवश्यक संसाधन है या कितने संसाधन है। यदि संसाधन कम होंगे तो कार्य करना मुश्किल होगा। तो एक प्रबंधक जो होता है वह ये देखता है कि कंपनी के लिए जो कंपनी जो व्यवसाय करेगी उसके लिए उसके पास वित्त के स्रोत किस प्रकार के हैं, वित्त उसे कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि यदि निजी कंपनी होगा तो निजी कंपनी की स्थिति में तो वह अपनी वित्त की आपूर्ति स्वयं अपने साधनों से करेगी, लेकिन जब पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक स्थिति में पब्लिक कंपनी जो है अपने प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उस इशू को देखकर अंशधार भी उस कंपनी के अंश खरीदने या न करने का निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से कंपनी के संबंध में आवश्यक कार्य जुटाने का, संसाधन जुटाने का कार्य भी प्रबंधक के द्वारा ही किया जाता है। अगला बिंदु है हमारा कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने का मतलब है कि आज आप व्यवसाय के क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य करते हैं तो व्यवसायी ने कई कार्य करता है, एक व्यवसायी जब कार्य करता है तो कई कार्यों को शो करना होता है। तो एक प्रबंधक जो होता है उसे कंपनी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, उसके पश्चात ही रजिस्ट्रार कंपनी के समामेलन की कार्यवाही करता है। तो कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात ही प्रवर्तक के कार्य आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात है कंपनी के समामेलन की कार्यवाही करना। जैसे कि बच्चों हम सभी जानते हैं कंपनी का समामेलन या रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात ही एक कंपनी का अस्तित्व माना जाता है। तो कंपनी के समामेलन की कार्यवाही होती है वह भी प्रवर्तक के द्वारा ही की जाती है, जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का स्थान क्या होगा, कंपनी कितनी राशि की सीमा तक का अंश खरीद सकती है आदि आदि। यानी कंपनी अंशधारी संबंध में जो भी बातें हैं वो कंपनी के कार्रवाई के संबंध में भी पता लग जाती है। इसी क्रम में अगला है हमारा समामेलन की कार्रवाई करने के पश्चात प्रवर्तक क्या करेगा, पूंजी अभिदान की व्यवस्था। पूंजी अभिदान की व्यवस्था भी व्यवस्था मानी गई है, जिसके अंतर्गत एक कंपनी को कम से कम न्यूनतम अभिदान के पूंजी के बराबर राशि एकत्रित करनी होती है, यानी न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त किए बिना कंपनी में व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर सकती। तो इसीलिए प्रवर्तक ये प्रयास करता है, वह प्रविधान जारी करता है, विभिन्न विज्ञापन से और विभिन्न प्रकार के अपने प्रत्येक प्रयास से पूंजी अभिदान की व्यवस्था करने का प्रयास करता है, क्योंकि अगर ये पूंजी अभिदान व्यवस्था का के अनुसार उसने कार्य नहीं किया तो कंपनी अपने व्यवसाय को नहीं चला पाएगी। अगला बिंदु है हमारा व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। प्रवर्तकों के अंतिम कार्य में अगर हम देखें तो कंपनी निर्माण से लेके व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण तक सक्रिय रूप से संलग्न रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद कोई पब्लिक कंपनी व्यवसाय प्रारंभ अपना कर सकती है, जबकि निजी कंपनी को इस संदर्भ में छूट है, क्योंकि निजी कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती है, क्योंकि वह अपनी वित्त की पूर्ति स्वयं अपने साधनों से करती है। तो ऐसी स्थिति में वह समामेलन के पश्चात ही अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर सकती है, लेकिन ये पब्लिक कंपनी को इन सभी औपचारिकता को पूरा करने के पश्चात ही अपने व्यवसाय का प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी होता है। तो इस तरह से बच्चों अगर हम कहें तो प्रवर्तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार आज हमारे परिवार का मुखिया होता है, घर का घर की सब देख रेख करता है, किस प्रकार हमें खर्च करना है, कितना व्यय करना है, कितना हमें बचाना है, सबकी जानकारी उस मुखिया के पास होती है। तो ठीक इसी तरह जो प्रवर्तक है कंपनी का मुखिया, एक तरह से कंपनी की जो ओपनिंग है स्टार्टिंग में प्रवर्तक के माध्यम से ही होती है। और एक प्रवर्तक जितना दूरदर्शी मेहनती होगा उतना ही कंपनी को लाभ होने वाला है। तो इस तरह से प्रवर्तक जो होता है निश्चय भाव से कार्य करता है, बिना निस्वार्थ के कार्य करता है ताकि कंपनी को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इस तरह से प्रवर्तक के कार्यों को करने के पश्चात ही कंपनी अस्तित्व में आती है।
और प्रवर्तक ही वह व्यक्ति है जो कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम भी तैयार करवाता है, क्योंकि पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के द्वारा ही कंपनी को अधिकार प्रदान की जाती है। एक तरह से ये कंपनी का चार्टर कहलाता है। उन अधिकारों दायित्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपने कार्य को करती है। तो कोई भी कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम के विरुद्ध जाकर कार्य नहीं कर सकती, उसे पार्षद सीमा नियम में लेकर ही कार्य करना होता है। तो इस तरह से ये प्रबंधक जो है कंपनी के निर्माण से लेकर कंपनी के समापन के पश्चात व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र तक निरंतर रूप से कंपनी से जुड़े रहते हैं। कंपनी के लिए हर तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते रहते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार एक प्रवर्तक के कार्यों से सिद्ध होता है कि प्रवर्तक ही वह व्यक्ति है जो कंपनी के नींव को विकसित करता है और उसको जिसके कारण कंपनी का व्यवसाय फलता और फूलता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा कि प्रवर्तक को कई अनेक कार्य करने पड़ते हैं, उसके उपरांत ही कंपनी का समावेलन होता है और कंपनी का समावेलन प्रमाण पत्र के पश्चात कंपनी अपने व्यवसाय का प्रमाण पत्र मिलने के लिए इंतजार करती है और अपने व्यवसाय को उसके पश्चात जैसे ही उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का पत्र मिल जाता है कंपनी अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर सकती है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि प्रवर्तक को यह सारे ही कार्य करके अपने दायित्व को निभाना होता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, आगे एक लेक्चर में हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।